नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मीज में। मैं रौनक चौधरी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लिवोसिट ड्रॉप्स के बारे में। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये हमारे पास में एलन कंपनी का लिवोसिट ड्रॉप्स जो कि 30 ml, और इसकी जो MRP है वो 100 रुपये है, और जो इसकी एक्सपायरी आती है वो 5 साल की आती है। तो ये होम्योपैथिक प्रोडक्ट है तो इसकी एक्सपायरी काफ़ी लॉन्ग आती है, तो बहुत काफ़ी अच्छी बात है। तो हम जान लेते हैं कि किन किन चीज़ों में हम इसको यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले तो इसके ऊपर लिखा है कि ग्रोथ प्रमोटर फॉर ग्रोइंग बेबीज एंड चिल्ड्रन, मतलब ये प्रोडक्ट जो है एकदम बच्चों के लिए है, जो बेबी होते हैं, जो बच्चे होते हैं उनके लिए प्रोडक्ट है, तो जो उनकी ओवरऑल ग्रोथ में मदद करता है। और ये हिपेटो प्रोटेक्टिव है, मतलब जो लीवर की जो समस्या है और लीवर को प्रोटेक्ट करता है, और एक कार्बिनेटिव का काम करता है, मतलब बच्चों में गैस नहीं बनती, फ्लोचुलेंस जैसी समस्या नहीं होती, इन सब चीज़ों से बचाता है। जिसके बाद में एक एपेटाइज़र का काम करता है, मतलब बच्चों में भूख को बढ़ाता है, मतलब छोटे बच्चे होते हैं उनको भूख नहीं लगती है, तो ये भूख को भी बढ़ाता है। जिसके बाद में डाइजेशन को इम्प्रूव करता है कि बच्चे का खाना अगर नहीं पच रहा है तो उसको पचाने में भी मदद करता है। और कॉन्स्टिपेशन की जो समस्या होती है बच्चों में, मतलब कब्जियत की, तो बच्चों में कब्जियत की समस्या को भी ये दूर करता है। और जो ये समस्या होती है हमारी एब्जॉर्प्शन की, कि बच्चा खाना खा रहा है पर ठीक से वो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, बहुत सारे बच्चों में ये देखा गया है कि वो खाना तो बहुत खाते हैं पर जो उनकी ग्रोथ है वो ग्रोथ वैसी नहीं होती। और इसके बाद में ये वाइटलिटी को इम्प्रूव करता है बच्चों को अंदर, और जैसे डाइजेशन प्रॉपर होगा, कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं होगी, बच्चा खाना ज़्यादा खाएगा तो बच्चे में एनर्जी भी इम्प्रूव होगी, मतलब एनर्जी लेवल भी बढ़ेगा बच्चों का, और प्रॉपर डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट भी कैसा, फिजिकली भी और मेंटली भी। तो अब हम देखते हैं इसे कंटेंट और उन कंटेंट के क्या क्या यूजेज हैं। तो सबसे पहला है कैरिका पपाया, तो ये भूख को बढ़ाता है, डाइजेस्टिव से रिलेटेड जो समस्या है उनको ठीक करता है, मतलब अगर खाने का अपचन हो रहा है उसको ठीक करता है। इसके बाद में जो हमारा प्लेटलेट काउंट है उसको भी बढ़ाता है। इसके बाद में अगला है अल्फ़ा अल्फ़ा, तो ये न्यूट्रिशन देता है, मतलब अल्फ़ा अल्फ़ा अलग से टॉनिक भी आता है जो कि न्यूट्रिशन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। इसके बाद में अगला है एवेना सटाइवा, तो एबिलिटी के लिए बहुत अच्छा है, मतलब जिन लोगों को कमज़ोरी है इन सब चीज़ों के अंदर ये बहुत अच्छा काम करता है। अगला है मेंथा पिपरिटा, तो ये कोल्ड जैसी समस्या में बहुत मदद करता है, खाना का अपचन में बहुत मदद करता है। इसके बाद में कैलिडोनियम माजूस, तो ये लीवर रेमेडी है, मतलब लीवर की समस्या के लिए इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। काफ़ी जो लीवर टॉनिक होते हैं जैसे लीवर टेन है एलन का, उसके अंदर भी इसका यूज़ है क्योंकि ये लीवर के लिए काफ़ी अच्छा है। इसके बाद में हाइड्रेस्टिस कैनाडेंसिस, जो कि डाइजेशन की समस्या में बहुत अच्छा है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है उसके लिए काफ़ी अच्छा है। अगला है सिंकोना ऑफिसिनेलिस, तो जिन लोगों का डाइजेशन कमज़ोर है उनको बहुत मदद करता है, जिनको गैस बहुत ज़्यादा बनती है उनका बहुत मदद करता है। अगला है कैमोमाइला, तो जो बच्चों में बीमारियाँ होती रहती है, मतलब कुछ बच्चे बीमार होते रहते हैं, तो उसके अंदर ये बहुत मदद करता है। इसके बाद में अगला है स्वेट या चिराटा, जो कि एनोरेक्सिया जैसी समस्या है, जो पेट में कीड़े हो जाते हैं या फिर लीवर ठीक से काम नहीं करता, उस चीज़ों में बहुत ज़्यादा मदद करता है। अगला है एंड्रोग्राफिस पेनिकुलाटा, जो कि लीवर की समस्याओं में मदद करता है, बच्चों में कमज़ोरी होती है उसके अंदर मदद करता है। अगला है सोलेनम निग्रम, जो कि इंटेस्टाइनल की जो टॉक्सिन है उसके अंदर मदद करता है। जिसके बाद में कैल्सिरा फॉस्फोरिका है, जो कि एनेमिक बच्चे होते हैं, मतलब खून की कमी होती है उनके अंदर मदद करता है, जो डाइजेशन की समस्या है उसके अंदर मदद करता है। अगला है नेट्रम फॉस्फोरिकम, जो बच्चों को एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, कुछ कुछ बच्चों में देखा गया कि एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो उनके लिए बहुत अच्छा है, गैस की समस्या, जॉन्डिस की समस्या, मतलब जो पीलिया हो जाता है उसके अंदर बहुत मदद करता है। अगला है काली फॉस्फोरिकम, जो कि नर्वाइन रिस्टोरेटिव है, मतलब जो भी समस्या होती है बच्चों में कमजोरी से रिलेटेड उसमें बहुत काम करता है। अगला है नेट्रम सल्फ्यूरिकम, जो कि बिलियस वॉमिटिंग होती है, मतलब एक थोड़ी अलग सी वॉमिटिंग होती है कि अलग कलर में वॉमिटिंग हो रही है उसके अंदर मदद करता है, फ्लॉचुलेंस में मदद करता है, मतलब गैस बन रही है बच्चों में, तो इन सब चीज़ों में बहुत मदद करता है। तो अगर रिजल्ट की बात करें तो इसका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा है, तो इसका डोसेज आपको जब भी देना है अपने डॉक्टर की सलाह से ही देना है, क्योंकि ये प्रोडक्ट बच्चों के लिए है तो उनका डोसेज डॉक्टर ही तय करेंगे, जो कि अकॉर्डिंग टू आपके डॉक्टर होगा। तो ये सिरा जो हमारा लिवोसिन ड्रॉप है काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, मार्केट में काफ़ी बिकता है, एलन कंपनी भी बहुत पुरानी कंपनी है, उसके प्रोडक्ट का रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा है। तो ये था हमारा वीडियो एलन के लिवोसिन ड्रॉप के ऊपर। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।